बरसाने की होली की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बरसाने की होली की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये प्रेम का है त्योहार है रंगों से सरोकार, ये प्रेम का है त्योहार है रंगों से सरोकार। भक्त जनों, आप सभी भक्त जानते हैं होली रंगों का त्योहार है, और भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। आज के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं। इस त्योहार को प्रेम का प्रतीक माना गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह से होली खेलने की परंपरा है, किंतु विशेष आकर्षण बरसाने की लठमार होली होती है। ये लठमार होली की परंपरा किस प्रकार शुरू हुई, आज हम उसी का वर्णन करेंगे। बसंत पंचमी का दिन भक्तों जब भी आता है, अगले दिन से उत्सव ये तो शुरू हो जाता है। दाढ़ा गाड़ के ही कर देते जिसकी तो शुरुआत, और समापन होता है जहाँ मंदिर है रंगनाथ। और होलाष्टक से ब्रज के मंदिरों में तो जाए, बरसाने में लड्डुओं से भी होली खूब मनाए। और फिर लठ मार होली खेले बरसाने वाली, है प्रसिद्ध बड़ी ही ये होली है बड़ी निराली। देश विदेश से देखने इस होली को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, ब्रज मंडल में होली का उत्सव पूरे 40 दिनों तक चलता है, जिसमें सबसे निराली लठमार होली होती है। इस दिन नंद गांव के लोग हुरियारे बनकर बरसाने में आते हैं, और बरसाने की महिलाएं हुरियारिन बनकर उन पर लठ बरसाती हैं। लठ मार होली की परंपरा कैसे शुरू हुई, द्वापर युग से प्रथा शुरू हुई ना है बात नई। नंद गांव से श्री कृष्णा जब बरसाने में आए, और बहुत से ग्वालों को भी अपने साथ में लाए। राधा और सखियों के संग सब खेलना चाहते होली, रंग डालने लगे हैं उन पर करने लगे ठिटोली। और शरारत से राधा की सखियां जब तंग आई, उन्हें मारने को लाठी अपने घर से है लाई। मारे सखियां लाठी ग्वाले रंग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये प्रेम का है त्योहार है रंगों से सरोकार, ये प्रेम का है त्योहार है रंगों से सरोकार। भक्त जनों, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में विस्तार से वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण राधा से कितना प्रेम करते थे। साथ ही गोपिकाओं का माखन छीनकर खाना, उनकी मटकी फोड़ देना और वस्त्र चुराने जैसी
अनेकों लीलाएं हैं। वहीं गोपिकाएं भी श्री कृष्णा की बांसुरी की धुन सुनने को हमेशा बेचैन रहती थीं और श्री कृष्णा की शरारतें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन होली के दिन उनकी शरारतों का बदला लेने के लिए राधा और उनकी सखियां श्री कृष्णा और ग्वालों पर लठ बरसाती हैं। लठ मार होली भी प्रेम पूर्वक खेली जाती, उससे पहले किंतु लड्डू होली भी है आती। लड्डू होली की ये परंपरा कैसे शुरू हुई, ये भी प्रसंग है राधा और श्याम के प्रेम कहीं। बरसाना की एक सखी जब नंद भवन में आई, और निमंत्रण होली खेलने का वो तो है लाई। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का था दिन, आदर सहित स्वीकार किया है होली का वो निमंत्रण। एक पुरोहित को बरसाना फिर वो पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये प्रेम कहे तो हार है रंगों से सरोकार, ये प्रेम कहे तो हार है रंगों से सरोकार। भक्तजनों, कहते हैं सबसे पहले बरसाना की एक सखी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होली खेलने का निमंत्रण लेकर नंद बाबा के घर पहुंची थी, जिसे आदर पूर्वक स्वीकार किया गया। फिर एक पुरोहित को बरसाना भेजकर संदेश दिया गया कि हमें आपकी होली का निमंत्रण स्वीकार है। जैसे ही पुरोहित संदेश सुनाने लगता है तो विश्वभानु के घर उत्साह की लहर दौड़ जाती है और पुरोहित का लड्डुओं से मुँह मीठा कराया जाता है। वहीं कुछ सखियां उस पर रंग डालने लगती हैं, तो पुरोहित सखियों पर लड्डू फेंकने लगता है। इसी प्रकार लड्डू होली की परंपरा भी शुरू हुई। नंद घर में जो हुआ निमंत्रण होली का स्वीकार, लेके गया संदेश पुरोहित वृषभानु के द्वार। होली का स्वीकार निमंत्रण पढ़ने लगा संदेश, राधा की कुछ सखियां भी थी जो सब रही थी देख। फिर तो पुरोहित का मुँह मीठा लड्डू से करवाया, ना जाने क्या राधा की सखियों के मन में आया। होली का त्योहार रंग है पुरोहित पे बरसाया, और पुरोहित ने फेंका जो लड्डू हाथ में आया। तब से ही ये लड्डुओं की होली भी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये प्रेम कहे तो हार है रंगों से सरोकार, ये प्रेम कहे तो हार है रंगों से सरोकार। भक्तजनों, लठ मार होली में नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं हुरियारिन बनकर भाग लेती हैं। लठमार होली में रंगों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर टेशु के फूलों से रंग बनाया जाता है और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। होली का ये उत्सव कृष्ण जी स्वयं मनाते थे, नंद गांव से बरसाना वो खेलने आते थे। और ग्वालों की टोली अपने साथ मिलाते सारी, रंग लगाए सखियों को और कोई मारे पिचकारी। मिलजुल करके ग्वाले करते होली में हुड़दंग,
ग्वाले सखियों के संग खेल तेरा था श्याम के संग। डाला था जब रंग सखियों ने लाठी भी बरसाई। प्रेम पूर्वक खेल खरोच भी नहीं किसी को आई। लग भी यदि जाए तो मिट्टी उस पे लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये प्रेम कहे त्योहार है रंगों से सरोकार, ये प्रेम कहे त्योहार है रंगों से सरोकार। भक्त जनों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की होली से ही ये बरसाने की, लठमार होली और लड्डू मार होली की शुरुआत हो गई थी, जिसे आज तक भी निभाया जाता है। नंद गांव के लोग कमर में फेटा लगाकर बरसाना पहुंचते हैं। इसी बीच बरसाना की महिलाएं उन पर लाठियां भांजती हैं और पुरुषों को इन लाठियों से बचना होता है। साथ ही महिलाओं को रंगों से भिगोना होता है। होली खेलने वाले पुरुषों को हुरियारे और महिलाओं को हुरियारिन कहा जाता है। हुरियारों की एक टोली में नंद गांव से आते और साथ में पिचकारी और रंग भी है लाते। बरसाने की प्रिया कुंड में स्वागत है किया जाता। कोई पिता है डंडे से, कोई है मिठाई खाता। हुरियारों को मानते कृष्ण सखा है उनके ग्वाले, और हुरियारिन राधा और सखियों का वेश बना ले। प्रिया कुंड पर ही हुरियारे सर पे पगड़ी बांध के ब्रह्माचल पर्वत पर जाते हैं श्री जी के मंदिर, और साथ में ढाल भी अपनी वो ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये प्रेम कहे जनों, बरसाना की लठमार होली तो विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसकी तैयारी बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती है। बरसाने की महिलाएं एक काफी दिन पहले ही होली खेलने वाली लाठियों को तेल पिलाया करती हैं, और नंद गांव के पुरुष भी अपनी ढाल तैयार कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, लठमार होली से पहले लड्डुओं की होली भी खेली जाती है। होली का निमंत्रण स्वीकार होने की खुशी में सैकड़ों की सैकड़ों कुंटल लड्डुओं की बौछार भक्तों पर की जाती है। देश विदेश में बरसाना की होली आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से बरसाना की होली देखने आए, हुरियारिन भांजे लाठी हुरियारे रंग लगाए। प्रेम कहे प्रतीक ये होली ना कुछ मकसद और, धरती और आकाश हो जाता रंगों से सराबोर। रंगों में रंग जाती आज तो दुनिया ये सारी है, बरसाने की होली भक्तों जग से न्यारी है। तभी तो होली देखने के लिए लग जाते हैं मेले, आज भी जैसे राधा श्याम बरसाने में होली खेले। द्वापर युग की ही भक्तों ये याद दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठ मार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये प्रेम कहे त्योहार है रंगों से सरोकार।
परिजनों, ये थी बरसाने की लठमार होली खेलने की परंपरा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा कि बरसाना में लड्डू मार और लठमार होली की परंपरा कैसे चली। आशा करते हैं बरसाने की होली सुनकर आप सभी भक्त आनंदित अवश्य हुए होंगे। होली का त्योहार ये भक्तों जब जब आता है, बरसाने की होली की भी याद दिलाता है। हर कोई देखना चाहता होली बरसाने वाली, देख के होली जैसे राधा श्याम की कृपा पाली। हंस राज रलहन भी जाए बरसाना इस बार, देखेगा बरसाने वाली होली वो लठमार। बरसाने की होली का कर डीएस पाल भी वर्णन, फौजी सुरेश विशारद को जब करता है वंदन। उनकी कृपा से शब्द तो फिर जुड़ते ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लठमार होली क्यों बरसाने में मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
रंग बिखराते सररर शोर मचाए प्यारा रंग रहा ये संसार है सारा लठिया सखियों ने भी उठाई
हम
अपने की होली की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो होली खेलने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार। फिर कृष्णा आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो होली खेलने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार। जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो होली खेलने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार। ये होली
सखियों ने भड़काया है तुमको बरसाना की गुजरियों ने। सही समय उनसे बदला लेने का आया है, सबने मिलकर मुझको मैया बड़ा सताया है। दे दो इजाजत तुम मुझे होली खेलने जाना, भी मैया यही चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो होली खेलने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार। यशोदा मैया ऐसी बात अगर कान्हा, जाकर खेलो होली पर हुड़दंग नहीं मचाना। सुन मैया की बातें कान्हा बड़े ही मुस्काए, दौड़े उल्टे पाँव और ग्वालों के पास आए। एक एक करके सारे ही ग्वालों को लगे बुलाने, सब बरसाने। ले लेना भरपूर रंग और भर लेना पिचकारी, आज तो रंगेंगे हैं राधा के संग सखियां सारी। हो करके तैयार वो बरसाने में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो होली खेलने आते हैं, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार। श्याम चले और पीछे ग्वाले सारे, आसमान तक रंग उड़े और बजते ढोल नगाड़े। मन में प्रेम भरा है सबके कोई बैर नहीं, बरसाने की गुजरियों की आज तो खैर नहीं। देखा के जैसे ही निकट आ गया है बरसाना, शुरू किया है फिर तो हुड़दंग मचाना। मैया ने जो समझाया था बातें भूली सारी, फेंक रहा है रंग कोई और कोई मर पिचकारी। सभी गोपियों को वो ऐसा नाच नचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो होली खेलने आते हैं, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार।
ये थक जाएंगे। किंतु शाम तो रहे खेलते कहाँ थे थकने वाले, नहीं अकेले शाम संग में आए कितने ग्वाले। बोली राधा डंडे मार कर इन्हें भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फिरते करते हाय हाय, इतना देख राधा की सखियां लगी जोर से हंसने। कुछ तो करे ठिठोली, कुछ तो लगी है ताने कसने। बोली राधा कान्हा से अब ना सताओगे, फिर से तंग करोगे और भी डंडे खाओगे। कान्हा ने किया नाटक दर्द होने, उन्हें देख कर राधा भी तो लगी है फिर रोने। सखियों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग शाम जो होली खेलने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाए रंग, रही थी दिल था नहीं दुखाना। जानते थे सब ग्वाले कान्हा तू ही बनते हैं, इन गुजरियों के डंडों से कहाँ वो डरते हैं। किंतु नाटक करके माफी सबसे मंगवाई, कान्हा की चालाकी राधा समझ नहीं पाई। किंतु सब खोली है सुनो बरसाने वाली, बुरा न मानो होली है। फिर तो प्रेम से एक दूजे के गले लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग शाम जो होली खेलने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाए रंग, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार। पुष्प प्रेम की होती निशानी, पुष्प सभी ले तो सब मिलकर फूल बरसाए। लठ मार होली बरसाने की बड़ी ही है मशहूर, उसके बाद फूलों की होली खेली जाए जरूर। है प्रतीक प्रेम का ये जो होली का त्योहार, फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आता है हर बार। सारे वैर भाव आपस में अपने भूल जाए, आओ भक्तों मिल करके होली सभी मनाए। ऐसे मौके बार बार
फिर कभी नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो होली खेलने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार, ये होली का त्योहार बरसाए रंग और प्यार। चारों ओर फौज सुरेश को खेलने के लिए कब से बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो होली खेलने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राधा के संग श्याम जो